दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी अपने नीचे अपने परिचय के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम या हो सके अपना शहर का नाम लिखकर अपना परिचय दें, हमें बेहद खुशी होगी। दर्शकों, फटाफट हम आज की चर्चा को हम लोग आरम्भ कर लेते हैं। हम बात करें ग्रहों की युति को लेकर, यानी सूर्य के साथ सूर्य बैठेंगे तो कैसा रहेगा, चंद्र बुध मंगल या इसी के साथ चंद्रमा के साथ नौ ग्रहों की युति होती है तो कैसा फल रहेगा, बुध के साथ नौ ग्रहों की युति होती है यानी दो ग्रहों की युति आपस में होती है तो उसका फल कैसे रहेगा। आप अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली में देख सकते हैं कि क्या दो ग्रह किसी एक भाव में बैठे हुए हैं। अगर दो ग्रहों की युति हो रही है तो उसका फल कैसे रहेगा, इसी खास चर्चा पर हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं अध्यात्म ज्योतिष पर, या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आने वाले समय में भी आपको अध्यात्म ज्योतिष मुहूर्त वास्तु आदि की सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज हम इस श्रृंखला में दिग्ग्रह योग की चर्चाओं में, आज इसी श्रृंखला में हम शुक्र और शनि के समागम को लेकर चर्चा करेंगे। यदि कुंडली के किसी भाव में, मैं राशिगत चर्चा नहीं कर रहा हूँ, भावगत भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ योग के संयोग पर, यानी दोनों ग्रहों की युति किसी भी भाव में बनती है तो उसका सामान्य फल क्या होने वाला है। वैसे फल डिसाइड करने से पहले हमें जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए, दोनों ग्रहों पर हमें अच्छी स्टडी कर लेनी चाहिए, साथ ही नौमान चलित आदि में इनकी स्तुति क्या है उस पर भी विचार कर लेना चाहिए, और विशेषकर यह अपने दशा कालखंड में अपना पूर्ण प्रभुत्व अपना दिखाते हैं। अगर सूर्य और शनि दोनों युति करते हैं, दोनों एक साथ बैठते हैं, दोनों का कंजक्शन यहाँ पर होता है तो शुक्रेण च शनिर्योगे मत्तः पशुपतिर नरः दारुण दारु दारुण दक्षस्य छरालम्बत्तिक शिल्पवे, अर्थात दोनों जब यहाँ पर बैठते हैं ऐसे लोग धन के उन्मत्त हो सकते हैं, योग उन्मत्त हो सकते हैं, कर्म में उन्मत्त होते हैं, उनमें बड़ी छटपटाहट कर्म के प्रति और अपने एक नवीन कार्य करने के प्रति एक उत्साह उनके अंदर देखा जा सकता है। अगर हम बात करें ऐसे लोग पशुपालन करने में या कोई भी अपना बिजनेस व्यापार करने में ये लोग बड़े चतुर होते हैं, खासकर ऐसे लोग फर्नीचर का वर्क है वो उनको काफी सूट करता है, लवण क्षार अम्ल आदि वृत्ति प्रकृति इन लोगों की होती है, खट्टे और नमकीन चटपटे इस प्रकार के खाद्यान्न को जो है ये काफ़ी रुचि उन लोगों उसमें ये रखते हैं। पहनने की बात करें तो बड़े डिफरेंट कलर के, जैसे कि काले कलर काले अगर कपड़े पहनेंगे तो काले में बहुत अलग से काला ये लोग पहनने का प्रयास करेंगे, बहुत चिटकला और अलग ये सामान्य लोगों से हट करके पहनना और खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ हम बात करें तो शिल्पज्ञता कार्य अपने हैंड टेक्निक वाले कार्य ये लोग करते हैं, ऐसे कार्यों में इनकी रुचि भी होती है और इनको लाभ भी ऐसे ही कार्यों से प्राप्त होता है। तो दर्शकों, ये थी शनि और शुक्र दोनों की युति और संयुति का सामान्य फल। आप बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।